दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। भविष्य का भारत कैसा हो, इस विषय पर अपने विचार रखते हुए संघ प्रमुख ने सभी के सामने हिंदुत्व की परिभाषा बताई। साथ ही इस दौरान मुस्लिमों को लेकर भी ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने नागपुर से सरकार चलने वाले आरोपों का भी खंडन किया है। जिस आरएसएस की छवि मुस्लिम विरोधी है, जिस आरएसएस पर कट्टर हिंदू होने का आरोप लगता आया है, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में चल रहे आरएसएस के 3 दिवसीय सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। मोहन भागवत ने बताया कि हम वसुदेव कुटुम्बकम में विश्वास रखते हैं, जहां सभी धर्म और पंथ का स्थान है। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि इसमें मुसलमान नहीं चाहिए। भागवत ने कहा कि जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुस्लिम नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व का विचार संघ ने नहीं खोजा, यह पहले से चलता आया है। वहीं इस दौरान भागवत ने नागपुर से सरकार चलाने के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि संघ बीजेपी को रिमोट से कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संगठन बीजेपी की राजनीति या उसकी सरकार की नीतियों को निर्देशित नहीं करता। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि संघ मुख्यालय नागपुर से कॉल करता है। भागवत ने सफाई दी कि संघ सलाह नहीं देता, बल्कि मांगने पर सुझाव पेश करता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भागवत ने कांग्रेस की तारीफ करके सभी को चौंका दिया था। भागवत ने कहा था कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।